तो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मैं यूट्यूब चैनल पे और आ गया हूँ एक और नई मेडिसिन के साथ में, एक और नई वीडियो लेके। मेरा नाम है दिनेश सैनी और आज इस वीडियो में जानने वाले हैं हम इस टैबलेट के बारे में जिसका नाम है AGC 500 mg। तो बात करेंगे इस वीडियो में इसी टैबलेट के बारे में, जानेंगे इस टैबलेट की पूरी जानकारी, किस यूज़ के लिए आती है, कितने गोली का पैक आता है, क्या MRP है, कौन सी कंपनी इसको मैन्युफैक्चरिंग करती है। तो बिना किसी तरीके वीडियो को स्टार्ट करते हैं और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग मेरे चैनल पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, साथ ही में नीचे बेल आइकन भी आ रखा उसको भी दबा लें ताकि अगले आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन तक पहुंच पाए। तो ठीक है, वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं इस टैबलेट की पूरी जानकारी। सो फ्रेंड्स, ये है वो टैबलेट जिसका नाम है AGC 500। कुछ इस तरीके की इसकी पैकिंग होती है, मैं इसकी अनबॉक्सिंग करके दिखाता हूँ आपको। तो अनबॉक्सिंग करते हैं और ये 3 टैबलेट का पैक आता है। बात करें अगर इस टैबलेट की MRP की तो वो है 71 रुपये 70 पैसे, 71 रुपीज़ 70 पैसे। कुछ ऐसी पैकिंग होती है, AGC 500 यहाँ पे लिखा होता है, इसके ऊपर से केमिकल नेम लिखा हुआ है जो कि है एजिथ्रोमाइसिन, जो कि एक एंटीबायोटिक टैबलेट है जिसका यूज़ होता है टॉन्सिल में, खांसी में, बुखार में, वेरी करता है वो डॉक्टर किस हिसाब से आपको ये दवाई देगा। बात करें अगर इसकी डोज की तो वो होता है वंस अ डे, दिन में एक बार, 3 दिन 5 दिन 10 दिन, वही वेरी करता है आपको कितनी आपको इन्फेक्शन वगैरह हो रखा है जिस केस में आपको ये दवाई दी जा रही है। सो पैक मैंने आपको दिखा दिया है। बात करें अगर इसकी कंपनी की नेम की, सो इस टैबलेट को जो कंपनी बनाती है उसका नाम है सिप्ला लिमिटेड, जो कि एक बहुत ही बड़ी कंपनी है। देखिए, सो एक एंटीबायोटिक टैबलेट है जिसका यूज़ है टॉन्सिल में, खांसी में, जुखाम में, इन सभी बीमारियों में डॉक्टर जो है ये टैबलेट आपको रिकमेंड करते हैं, जिसकी डोज होती है वंस अ डे, एडल्ट डोज है ये। अगर आपको बच्चों को देनी है तो बच्चों के लिए अलग से इसमें 100 mg, 200 mg और 250 mg आती है, बट उसके लिए आपको डॉक्टर से एडवाइस लेनी पड़ेगी कौन सा डॉक्टर जो है आपको कौन सी डोज जो है एडवाइस करेगा बच्चों के लिए। सो बस बात करें अगर साइड इफेक्ट की, साइड इफेक्ट इसमें वोमिटिंग वगैरह हो जाती है और इचिंग वगैरह भी, एलर्जी वगैरह भी हो सकती है, गैस बन सकती है आपको। सो ये इसके साइड इफेक्ट हैं। सो फ्रेंड्स, ये था इस टैबलेट का रिव्यू। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते हैं ऐसी किसी नई वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।